डिसेंबर 26 रो डिसेंबर 29 तारीख चाहे भुवनेश्वर फुटबॉल एकेडमी रे खेला जिवो क्लब 73 गोल्डन जुबली ऑल ओडिशा फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 एने क्लब 73 पक्षरो सांबादिक सम्मेलन सूचना दे जाय छि। एही टूर्नामेंट रे 8 टीम अंश ग्रहण करछन्ते, एति मधुर कटक एवं भुवनेश्वर रो 3टी लेखाएं टीम अंश ग्रहण करथवा बेले संबलपुर रो एक फुटबॉल टीम एवं फुलबाणी रो एक टीम अंश ग्रहण करबे। एस फाइनल रे चैंपियन टीम को ट्रॉफी सह 1,00,000 कैश प्राइस, उपविजे टीम को ट्रॉफी सह 50,000 कैश प्राइस रही। उद्यापनी दिन केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदेवे आयोजकों पक्ष सूचना दी जा। बहुत पुरातन भल प्लेयर्स मैंने क्लब टी करते तापर नूतन पीढ़ीर प्लेयर्स मैंने आसिकिना टेकअप करते आम कलिंग स्टेडियम बराबर ये टूर्नामेंट टी ऑर्गेनाइज करूँ। बट 2012 ये बड़े कलिंग स्टेडियम आउ प्राइवेट क्लब्स को टूर्नामेंट करने अनुमति मिलला नहीं, तेणु टूर्नामेंट बंद होता। बट फॉर्चुनेटली अभी यूनिट वन जो भुवनेश्वर फुटबॉल एकेडमी होती आमको परमिशन मिलला और जेहेतु ए वर्ष आम गोल्डन जुबली 50 वर्षर पूर्ति पालन होने पुणी थे से टूर्नामेंट को रिवाइव करने को चेस्टा करम क्लब्र आम जो टूर्नामेंट हो मूल जिनस आम क्लब आम जो कर बहुत स्लम एरिया पाने अच्छा बहुत भल प्रतिभा अच्छा से मैंने एक्चुअली चांस ठीक से पाई पार ना आम प्रत्येक इक्विपमेंट्स आम जोगे दौ कोच जोगे दौ ताल से आस्ते आस्ते उपरको आसवे से उपरको उठिले जाकिशार फुटबल निहाती आगे आसो आम भी सीटा सक्सेस आगु गोटे पीरियड भी आम मैंने पाला एमती भाव प्रमोट कर पाने से सब जातीय स्तर रे भल ना कर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।